हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्बल टी कप। और आज हम लोग एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं जो कि इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड है। आपने तेनाली रमन का नाम सुना होगा, जो कि कृष्णदेव राय के सबसे क्लोजेस्ट एडवाइजर थे। ही वाज लाइक चाणक्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के थे, वैसे ही तेनाली रमन कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे उनके वो बहुत क्लोज एडवाइजर थे। तो तेनाली रमन जब छोटे बच्चे थे, और रमन ऑफ तेनाली के नाम से भी जाने जाते थे, तेनाली शहर में वो रहते थे, गांव था इनफैक्ट। तो एक बार क्या हुआ कि वो छोटे बच्चे थे, मोटे से थे, सब उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे। तो एक बार एक पंडित ने उनका हाथ देखा और बोला कि तुम तो बहुत बड़े आदमी बनोगे। लेकिन तेनाली रमन ने बोला कि कहाँ से बड़े आदमी बनेंगे, ना मेरे पास पैसा है ना कुछ है, और मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं मोटा सा हूँ, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। तो वो बोला कि देवी का मंदिर जो पेड़ के ऊपर, जो ये पहाड़ के ऊपर है, वहाँ तुम जाके तपस्या करो और देवी माँ जो हैं वो तुमसे बहुत खुश हो जाएंगी, और उसके बाद तुमको वो वरदान देंगी और तुम जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा। तो तेनाली रमन ने बोला कि चलो ठीक है भाई, ये भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो वो गया और छोटा बच्चा था, वो रात में जाके वहाँ सो जाता था मंदिर में। थोड़ी देर वो तपस्या करता था और वो बोलता था, जप वप करता था, मंत्र बोलता था, उसके बाद सो जाता था। 8-10 दिन रहने के बाद उसका मन बहुत खराब हो गया और उसने बोला कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, आज रात को लगता है देवी अब आती नहीं है, इन लोग ने झूठ मेरे को बोला है, आज अगर देवी नहीं आएंगी तो मैं तो अब नहीं बैठूंगा यहाँ पे, वैसे बहुत ठंड लगती है मुझे रात में। तो फिर बेचारा रात में तपस्या करके खैर वहाँ पे जाके रुक गया, और रुक गया तो रात में एकदम से उसको जब नींद आ गई तो उसको बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और एकदम से पूरा मंदिर जो था उसमें रोशनी से भर गया। और उसने डर से आँख खोला और उसने देखा कि देवी वहाँ खड़ी हैं, देवी माँ, और उनके पूरे सर एक साथ हैं, उनके 10 सर के साथ देवी माँ उसको पूरे अपने फुल रूप में उसको दर्शन दी। तो वो डर गया, कांपने लगा, और उसने पहले तो ऐसे प्रणाम किया कांपते कांपते, और उसके बाद वो हंसने लगा और उसकी हंसी रुके ही ना। तो देवी जो थी पहले तो बड़ा स्माइल की थी उसको देख के कि छोटा बच्चा है, उसके बाद वो नाराज होने लगी और उन्होंने कड़क के पूछा कि लड़के तुम हंस क्यों रहे हो, हंसते क्यों जा रहे हो। तो उसने बोला कि देखिए देवी माँ, एक्चुअली आप बुरा मत मानिए, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, मेरे हंसी का कारण क्या है। हम लोग इंसान हैं, नश्वर हैं, हमारा एक सर है, एक नाक है। जब हमको सर्दी खांसी हो जाती है, छींक आती है, तो एक नाक को पोछते पोछते हम लोग परेशान हो जाते हैं, और आपको तो 10 सर है, 10 नाक है। तो मैं वही सोच रहा था कि आपको जब छींक आती होगी और सर्दी होती होगी तो आपको कितनी परेशानी होती होगी, और इसी बात पे मुझे हंसी आ गई, आप मुझे क्षमा करें। तो देवी बाबी खुश हो गई, हंसने लगी, और उन्होंने बोला कि चलो तुम बहुत स्मार्ट हो, चालाक हो, तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अब एक दो कटोरियाँ उन्होंने दिया, एक में बुद्धि था और एक में ऐश्वर्य था, मतलब कि धन। तो तेनाली रमन ने बोला देवी से कि माँ देखिए, मुझे नहीं पता, मैं छोटा बच्चा हूँ, क्या मैं दोनों को टेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं डिसाइड कर लूँगा कि मेरे को क्या चाहिए। उन्होंने बोला चलो ठीक है, बच्चा है, टेस्ट कर लो। अब वो चालाक बच्चा था, उसने दोनों पी लिया जल्दी से गटागट। जैसे ही देखा उसने, देवी फिर से नाराज हुई और बोली कि अब तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, वरदान तो दूर की बात रही। तो तेनाली रमन ने बोला कि देखिए देवी माँ, अगर मैं बुद्धिमान हूँ लेकिन मेरे पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, तो लोग सोचेंगे कि मेरी बुद्धि सच में है ही नहीं, और लोग मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, मुझे उस लायक नहीं समझेंगे। और अगर मेरे पास धन है लेकिन बुद्धि ही नहीं है, तो मेरा जो धन है वो किसी न किसी तरह से वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा, मैं उसको बचा ही नहीं पाऊंगा, उसको और अर्जित ही नहीं कर पाऊंगा, उसको और बढ़ा ही नहीं पाऊंगा।
बुद्धि और धन, और आज के ज़माने में हम उसको बोलेंगे इंटेलिजेंस और वेल्थ रादर देन सक्सेस भी बोल सकते हैं, तो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं और दोनों एक के बिना कहीं ना कहीं अधूरे हैं। और यही कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई तेनाली रमन की, जो कि कृष्णदेव राय के सबसे बड़े सलाहकार थे। तो इस छोटी सी कहानी से, जो कि बहुत ही सालों पुरानी है, इनफैक्ट 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, आज के लिए क्यों रेलेवेंट है? आज के ज़माने में भी लोग आपके इंटेलिजेंस को सक्सेस से मेजर करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप सक्सेसफुल हैं और आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो लोग सोचते हैं कि आपका सक्सेस जो है वो वेल डिजर्व नहीं है, वो आपको कहीं विरासत में मिल गया है, या किसी ने आपको पैसे दे दिए हैं, या आप बड़े बाप के बेटे हैं या बेटी हैं जो आपको वो पैसे मिल गए हैं। तो उस सक्सेस को डिजर्व करने के लिए वो इंटेलिजेंस और वो स्किल बहुत ज़रूरी है, और उस स्किल को प्रूव करने के लिए सक्सेस और वेल्थ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी जो कि सदियों पुरानी है, आज के ज़माने में भी बहुत ही सही है, सटीक है, और आज हम आपको इसी के बारे में सोचता हुआ छोड़ते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और तेनाली रमन को देवी माँ ने इस पर विकट कवि बुलाया, जो कि पैलिंड्रोम है ना। पैलिंड्रोम जो होता है वो उलट के दोनों वर्ड एक तरह से होता है, तो विकट कवि जैसे आप बोल रहे हो ओयो, तो दोनों साइड से सेम हो जाता है, तो उसी तरह से विकट कवि नाम दिया कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, बुद्धिमान हो, तो तुमको ये नाम मैं देती हूँ। तो क्या हम भी, आप भी विकट कवि बन सकते हैं? और क्या हमारे में वो स्किल है, वो इंटेलिजेंस है? और क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो हम खुद अपने में ला सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं सही डायरेक्शन में, जिससे कि हमको सक्सेस आए, सक्सेस मिले और लोग हमको समझें कि हाँ हम किसी लायक हैं। तो इस छोटे से मैसेज के साथ आज हम आपको यहीं छोड़ते हैं, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, और हम और भी स्टोरी सुनाएंगे इस तरह की, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ इंडियन माइथोलॉजी, बाहर की, हर जगह की, जो जो मुझे आती है। थैंक यू वेरी मच।